कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने वर्ल्ड कप में गलतियों का इतराफ करते हुए कहा कि हम बतौर अच्छी टीम साबित नहीं हुए। आयरलैंड के खिलाफ मैच के बाद गुफ्तगू करते हुए इन्होंने टूर्नामेंट में टीम की नाकस कारकर्दगी और गलतियों का इतराफ किया। बाबर आजम ने कहा कि अमेरिका और भारत के खिलाफ मैच में हमसे बैटिंग में गलतियां हुई, विकेटें गिरने से बैटिंग लाइन पर प्रेशर आया, कंडीशन के लिहाज से हमारी बॉलिंग अच्छी रही। दोस्तों बाबर आजम का मजीद कहना था, जो भी टीम की जरूरत होगी इसको देखेंगे, हमारे पास अच्छे प्लेयर्स हैं, हम वापस घर जा रहे हैं, वहां जाकर देखेंगे कि हमसे क्या कमी कुताइयां हुई और हम वापस उठेंगे और आगे बढ़ेंगे। तान ने कहा, हम करीब पहुंचकर मैच हारे, एक अच्छी टीम के तौर पर परफॉर्म नहीं कर सके। आयरलैंड के खिलाफ मैच से मुतालक इन्होंने कहा कि मैच तो जीत लिया लेकिन हदफ के ताकम में विकेटें गिरती गई, फिर भी हमें अच्छे से मैच फिनिश करना चाहिए था। दोस्तों क्या बाबर आजम को पाकिस्तान टीम का कप्तान रहना चाहिए या नहीं, हमें अपना जवाब कमेंट में लाजमी दें। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।